छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर कृष्ण प्रसाद। बिना अपॉइंटमेंट के और तुम यहां? वक्त कम था इसलिए अचानक आना पड़ा। इस चेकबुक के हर पन्ने पर मैंने दस्तखत कर दिए हैं। रकम आप जितनी चाहे भर सकते हो, लेकिन मेरे बेटे को कानून के शिकंजे से छुड़ाना है, जिसे आपके भाई इंस्पेक्टर ज्वाला प्रसाद ने गिरफ्तार कर लिया है, और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तुम्हारे बेटे को जमानत की जरूरत है, हमारी नहीं। जानता हूं, मगर रद्द कर दी है जमानत कोर्ट ने, इसीलिए तो आपके पास आया हूं। हम अभी तक नहीं भूले महाकाल कि जिस अर्जुन को तुमने सजा दिलवाई थी हमारे हाथों, वो दरअसल बेकसूर था। उसकी मां और उसके भाई के खून के बावजूद सजा अर्जुन को मिली, और जाती तहकीकात के बाद जब तक हमें पता चला, हम अर्जुन को सजा दिलवा चुके थे, और अर्जुन की बेगुनाही का सबूत कोई भी नहीं था हमारे पास, और जो सबूत नीलम के पास थे, सो तुम्हारे बेटे ने नीलम का खून करके वह सबूत भी खत्म कर दिए, और अब महाकाल तुम्हारे बेटे को कानून के लंबे और चौड़े हाथ, वो जहां कहीं भी होगा, जैसे भी होगा, खींच लाएंगे। इसका मतलब आप मेरे बेटे को नहीं छुड़ाएंगे? छुड़वाएंगे, जरूर छुड़वाएंगे महाकाल, अफसोस फांसी के फंदे से नहीं, दुनिया और तुम्हारी झंझट से। इस जवाब का मतलब समझते हो कृष्ण प्रसाद? महाकाल से दुश्मनी और अंजाम एक भयानक तूफान। अंजाम का डर सोचना हमारे लिए बेकार और बेसूद है। रही बात तूफान की महाकाल, तो किश्ती और बागबान तो क्या, हम तो वो भंवर हैं जिसमें समुंदर के समुंदर डूब जाते हैं। कृष्ण प्रसाद, सारा बंबई शहर इस बात का भी गवाह है कि महाकाल जो सोचता है वो कर दिखाता है। अगर आप मेरे बेटे का केस नहीं लड़ेंगे तो आप उसके खिलाफ भी नहीं लड़ेंगे, और अगर आपने ऐसी गलती की तो उसका अंजाम सिर्फ मौत का तांडव होगा। याद रखो कृष्ण प्रसाद, मेरा नाम है महाकाल, काली का पुजारी हूं मैं, लिबास भी काला, धंधा भी काला, और दुश्मनों को जो कफन पहनाता हूं वो भी काला। काले धंधे वाले, ये अपने काले धन की सफेद चेकबुक तो लेता जा। रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। कृष्ण प्रसाद को दुनिया एक कानूनी पंजा कहती है, और वो पंजा एक शेर का है जिस पंजे में कानूनी मुजरिम आकर कुचला जाता है। हमारी राय मानो, अपने बेटे की अर्थी का सामान तैयार रखो, क्योंकि किसी भी वक्त कोर्ट उसे सजाए मौत देगा ही।